आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार मना रही है। इसी कड़ी में ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्व झिणिया में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अंतर्गत वैश्विक शिखर सम्मेलन के तहत विश्व शांति का अग्रदूत भारत विषय पर एक स्नेहिल सम्मेलन कार्यक्रम में अतिथि के रूप में खरगोन से पधारे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी, किरण दीदी सहित और भी अतिथिगण मौजूद थे। भ्राता कन्नू सिंह भाटिया ने विशेष रूप से युवा वर्ग से राजयोग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। झिन्या से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। ब्रह्म कुमारी असम द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। भारत सरकार संपूर्ण भारत वर्ष में आजादी अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इस उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारी संस्था भी अपने कई आयोजन कर रही है। उसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम विश्व शांति के लिए अग्रदूत भारत, इस विषय पर खरगोन जिले में भी कार्यक्रम हुआ। उसका आज यहाँ पर झिणिया में भी एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ के वरिष्ठ व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। उसके पश्चात खरगोन से पधारे आदरणीय राजयोगिनी किरण दीदी जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए कि शांति तो मानव का ही निज गुण है, लेकिन आज की कई उलझनों समस्याओं में अपनी दिनचर्या में इतना उलझ गया कि उस वास्तविक गुण को भूल गया। इसलिए जब वो स्वयं को जानेगा, स्वयं को जान करके उस सत्य परमात्मा से जुड़ करके अपने जीवन में राजयोग को अपना करके वो अपनी शांति को पुनः जागृत कर सकता है। शांति उसी का गुण, व्यवहार, कर्तव्य है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।